सोमवार 18 फरवरी सुबह को सूचना मिली कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड माने जा रहे अब्दुल रशीद काजी सहित जेएम यानी जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके तुरंत बाद कई नामचीन मीडिया संगठनों ने गाजी की एक तस्वीर को लेकर रिपोर्टें पेश की। जैसा कि अब ये पता चला है, तस्वीर फेक है जिसे एक ऐप का उपयोग करके बनाया गया था। कई मीडिया आउटलेट्स ने आतंकवादी की एक ही तस्वीर का उपयोग किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो गाजी की है। तस्वीर वास्तव में फेक है और एक ऐप का उपयोग करके इसे सुपर इम्पोज किया गया है। HYD TV ने कम से कम चार प्रमुख मीडिया संगठनों का पता लगाकर आपके सामने इन्हें पेश किया है, जिसे आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इस तस्वीर की ना ही पुष्टि की बल्कि इसे TRP और आगे रहने की दौड़ में वैसे ही सबके सामने पेश कर दिया। गूगल सर्च करने पर आपको ये दोनों ही तस्वीर नजर आएंगी, जिसमें एक तस्वीर में मारे गए गाजी की फोटो है तो दूसरी ओर एक और आदमी की फोटो है और दोनों का सूट बिल्कुल समान नजर आ रहा है। दोनों के हाथों की स्थिति जैसे वॉच, वॉकी टॉकी और बैटन दोनों तस्वीरों में बिल्कुल समान है। और ज्यादा खोजने पर यह बात साफ हो गई कि इस तस्वीर को पुलिस सूट फोटो फ्रेम नामी एक ऐप के जरिए बदल दिया गया है।